सो फ्रेंड वेलकम टू दियर चैनल टेक्निकल नॉलेज एंड एजुकेशन। तो दोस्तों आज हम आपके लिए आज पृथ्वी से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि लगभग सभी एग्जाम पूछते हैं। तो इससे पहले शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि पृथ्वी का औसत घनत्व जल के संबंध में कितना है, कि पृथ्वी का औसत घनत्व जल के संदर्भ में कितना है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट चाहिए, पहले का ए वाला 5.5 है, जो कि पृथ्वी का औसत घनत्व जल के संदर्भ में 5.5 है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये लोग सभी लोग जानते होंगे, लगभग 180 अंश देशांतर है। इसका पहला ऑप्शन नंबर दूसरे का ए सही है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा, विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी है। विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के मध्य की दूरी कितना है, 111 किलोमीटर। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला दूसरे का सॉरी तीसरे का ए वाला है, कौन सा तीसरे का ए वाला है कि 111 किलोमीटर। उसके बाद चौथा क्या हमारा क्वेश्चन, किस रेखा को ग्रीनविच मध्याह्न रेखा कहते हैं, किसको किस रेखा को ग्रीनविच मध्याह्न रेखा कहते हैं। तो जो है 0 अंश देशांतर को ग्रीनविच मध्याह्न रेखा कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला, चौथे का पहला है। पांचवा क्या है, विश्व में टाइम जोन कितने हैं, मतलब विश्व में समय क्षेत्र कितने हैं। तो विश्व में जो है टोटल 24 टाइम जोन है, कितने 24 टाइम जोन हैं, 24। इसका ऑप्शन नंबर ए सही। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन क्या है, 0 अंश अक्षांश रेखा एवं 0 अंश देशांतर रेखा किस महासागर में एक दूसरे को काटती हैं। तो जो है 0 अंश अक्षांश रेखा और 0 अंश देशांतर रेखा के किस महासागर में एक दूसरे को काटती हैं, तो जो अंध महासागर है वो अंध महासागर में एक दूसरे को काटती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाए, छठे का सी। सातवां कौन सा है, कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। तो जो है बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। कौन सा है ऑप्शन नंबर सही, ए वाला है, क्या बेरिंग जल संधि। उसके बाद आठवां क्या है, गोरे क्या है, व्हाट इज गोरे। गोरे जो है दो देशांतर रेखाओं के दो देशांतरों के मध्य की दूरी को गोरे कहते हैं। कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या है दो देशांतर के मध्य की दूरी। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट सही है, आठवें का पहला वाला। उसके बाद नौवां क्या है, प्रत्येक समय जोन में देशांतर अंतराल क्या उतने का होता है, क्या है प्रत्येक समय जोन में देशांतर अंतराल क्या होता है। तो जो है 15 अंश का देशांतर अंतराल होता है प्रत्येक समय जोन में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद रूस में कितने समय क्षेत्र हैं, रूस में कितने टाइम जोन हैं, या फिर रूस में कितने समय क्षेत्र हैं। तो रूस में जो है 11 समय क्षेत्र या टाइम जोन है 11। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी वाला। उसके बाद ग्यारहवां क्या है, कौन से तत्व पृथ्वी की भूपरपटी में पाए जाते हैं। तो जो है 3 तत्व पाए जाते हैं पृथ्वी के भूपरपटी में, कौन कौन से हैं, सियाल सीमा निफे। तो बोला है क्वेश्चन में कि तत्व पृथ्वी की भूपरपटी में पाए जाते हैं, तो जो है सियाल पाया जाता है भूपरपटी ऊपरी परत में। उसके बाद ग्यारहवां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ग्यारहवां क्वेश्चन क्या हमारा, मोहरोविक असंतता किसे कहते हैं, क्या है मोहरोविक असंतता किसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्या है भूपरपटी और केंद्र को मोहरोविक असंतता किसे अलग करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है, सी वाला सही है, क्या है भूपरपटी और केंद्र को, सी वाला। उसके बाद 13 वाला क्या है, गुटेनबर्ग असंतता, क्या है गुटेनबर्ग असंतता किसे अलग करते हैं। तो जो है मेटल और केंद्र को गुटेनबर्ग असंतता अलग करती है, क्या ऑप्शन सही है, बी वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य की उपसौर क्या है, सूर्य की उपसौर स्थिति क्या है। तो जो है सूर्य की उपसौर स्थिति है पृथ्वी की सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं, सूर्य की उपसौर स्थिति। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी वाला सही है, बी वाला सॉरी ए वाला ऑप्शन सही है इसका, पृथ्वी की सूर्य से निकटतम दूरी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद 15 वाला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति कब घटित होती है। तो जो है पृथ्वी की उपसौर स्थिति 3 जनवरी को अवघटित होती है, घटित होती है, कितने जनवरी को, 3 जनवरी को पृथ्वी की उपसौर स्थिति घटित होती है, कितने जनवरी को, 3 जनवरी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, पृथ्वी की ऑफशोर स्थिति क्या है। 16 वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, पृथ्वी की ऑफशोर स्थिति क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, इसका ऑप्शन नंबर जो है डी वाला सही है, क्या है
चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी को पृथ्वी की अपसौर, ऊपर वाला देखिए उपसौर है लेकिन ये अपसौर है, दोनों में अंतर है। तो इसमें क्या है, चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी को पृथ्वी की अपसौर स्थिति कहते हैं। उसके बाद पृथ्वी की अपसौर स्थिति, अब इसमें देखिए पृथ्वी की बात आ गई और उसमें पृथ्वी की उपसौर स्थिति 3 जनवरी था, इसमें क्या है पृथ्वी की अपसौर स्थिति कब घटित होती है, तो पृथ्वी की अपसौर स्थिति जब है कब घटित होती है, ये जो है 4 जुलाई को, और वो कब था 3 जनवरी को था, जनवरी को था ये, तो ये जो है 17 वाला क्वेश्चन, पृथ्वी की अपसौर स्थिति 4 जुलाई को घटित होती है, 4 जुलाई को, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद ग्रीष्म अयनांत कब घटित होता है, क्या है ग्रीष्म अयनांत कब घटित होता है, 21 जून को ग्रीष्म अयनांत घटित होता है। उसके बाद 19 वाला क्वेश्चन क्या हमारा, शीत अयनांत कब घटित होता है, शीत अयनांत जो है 22 दिसंबर को घटित होता है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी 22 दिसंबर को शीत अयनांत घटित होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, 20 वाला, किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था, क्या है किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था, जो है अल्फ्रेड वेगनर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए वाला। उसके बाद दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है, अगर और ऐसी वीडियो देखनी हो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके बाद वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी थी। उसके बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।